वेरी गुड मॉर्निंग थर्ड क्लास, बुक आपने ले ली होगी, साइड में रख लीजिए और ओपन कर लीजिए पेज नंबर 16। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट कर लिया था, आज हम क्वेश्चन नंबर 6 को कंप्लीट करेंगे। आपने बुक में भर लिया होगा, नहीं भरा है तो आज फिल कर लेंगे। ओके, इसमें आपको निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। चलिए, तो आप लोग क्या करेंगे, मैं आपको समझा देती हूँ। क्वेश्चन का है, गोलू ने आईने में क्या देखा? गोलू ने आईने में दूसरा भालू देखा, जिसे हम लोग भी मिरर लेते हैं और मिरर में अपनों आपको जब देखते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है, खुद का चेहरा। तो गोलू ने आईने में क्या देखा? गोलू ने आईने में दूसरा भालू देखा, उसे ऐसा लगा कि वो दूसरा है क्योंकि उसने फर्स्ट टाइम ही यूज किया था आईना। क्वेश्चन नंबर था, बैजू ने दांत पीसकर गोलू से क्या कहा? बैजू कौन है? गीदड़ है ना, तो बैजू ने दांत पीसकर गोलू से क्या कहा? उस बैजू ने दांत पीसकर गोलू से कहा, क्यों रे गोलू तुझे किस बात की अकड़ है? क्या बोला था? क्यों रे गोलू तुझे किस बात की अकड़ है? तो जब आंसर स्टार्ट करेंगे तो इन्वर्टेड कॉमा जो डायलॉग है ना, उसको हम लोग इन्वर्टेड कॉमा में बंद करके रखते हैं इस वजह से। ठीक, क्वेश्चन का, गोलू डर कर क्यों भागने लगा? क्यों भागने लगा था? आपको पता है ना, जो शिकारी कुत्ते आ गए थे, तो हम आंसर बताएंगे। गोलू डरकर इसलिए भागने लगा क्योंकि वहां पर शिकारी कुत्ते आ गए थे। एक बार और रिपीट करेंगे, हिंदी आपकी बुक का नाम क्या है? बसंत। आप थर्ड क्लास अकड़ निकल गई चैप्टर का नाम, चैप्टर नंबर 2 है, पेज नंबर 16 है। पेज नंबर 16 पे प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गोलू ने आईने में क्या देखा? गोलू ने आईने में दूसरा भालू देखा। कैसे? जिसे उसने अपने आप को देखा, दिख तो वो खुद रहा था लेकिन उसे लगा वो दूसरा भालू है। बैजू ने दांत पीसकर गोलू से क्या कहा? बैजू ने दांत पीसकर गोलू से कहा, क्यों रे गोलू तुझे किस बात की अकड़ है? गोलू डरकर क्यों भागने लगा? गोलू डरकर इसलिए भागने लगा क्योंकि वहां पर शिकारी कुत्ते आ गए थे। नेक्स्ट टाइम मैं और क्वेश्चन लेके आऊंगी, अभी आपके लिए यही होमवर्क है, आपको अपनी बुक में फिल करके रखना है। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, थैंक यू।